लगा दे वीडियो में। और ये देखिए दिन भर नहाते रहते हैं। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज वीडियो की शुरुआत मैं सुबह 8 बजे से कर रही हूँ। मैं आई हूँ मनन को छोड़ने, तो मैं यहाँ नदी किनारे आ गई थी बैठने। अभी घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है, मनन के पापा भी चले गए हैं ड्यूटी, तो मैं यहाँ थोड़ा सुबह का नज़ारा दिखा देती हूँ। सनराइज हो रहा है तो सनराइज भी दिखाऊंगी, सूरज उगते हुए और नदी का नज़ारा दिखाती हूँ। कल की वीडियो में भी देखा होगा कितनी विकराल हो रखी है नदी। पहाड़ों में बारिश आ रही है जिस कारण से यहाँ पे नदी विकराल स्वरूप ले रखा है, और यहाँ पे भी बहुत सारी बारिश हो रही है। पानी घर घर तक भर चुका है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है आजकल। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सुबह का नज़ारा दिखाते हैं आपको। धुंध छाई हुई है तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, सामने आपको नदी नहीं दिख रही होगी, इतनी धुंध लगी है। और यहाँ पे सनराइज हो चुका है, आज सुबह का नज़ारा बस इतना ही दिख पाएगा। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं दिन भर में आप लोगों को देती रहूँगी। थोड़ी देर यहाँ पे बैठती हूँ, उसके बाद घर जाऊँगी। अब तो दिन भर मिलते रहेंगे, तो ऐसे ही बने रहे मेरे साथ। काफ़ी देर नदी किनारे बैठने के बाद धूप ज़्यादा खिल चुकी है, तो नदी भी थोड़ा बहुत दिखने लग गई है। आपको दिख रहा होगा सामने किनारा इसका। अब चलते हैं घर, 8:15 हो गया है तो घर के लिए चलते हैं। धूप भी अच्छी आ गई है, कपड़े सुखाती हूँ घर जाके। अब पहुँच चुकी हूँ मैं घर में, घर का हाल देखिए। तो मतलब अभी कुछ भी काम नहीं किया है क्योंकि मन को स्कूल भेजा, उसके बाद उसके पापा ड्यूटी गए और मैं उधर सब्जी लेने गई तो अभी सारी दुकानें बंद थी तो सब्जी लेने नहीं जा पाई। यहाँ भी देखो मतलब सारा किया रहता है, लेकिन कहीं जाने के लिए तैयार हो जाओ तो सारे कपड़े फिर निकालने पड़ते हैं, मेकअप का सामान जो भी है, तो सारा ऐसे ही हो जाता है। और किचन के हाल भी देखिए, अभी मतलब मैंने नाश्ता नहीं किया है तो यहाँ पर ही मनन के पापा ने किया था, यहाँ पर छोड़ भी रखा है। तो ये कर लेती हूँ घर का सारा काम, उसके बाद थोड़ा टाइम मिलेगा तो पढ़ाई भी कर लेंगे। मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं तब भी पढ़ने लग जाती हूँ, चाहे किसी भी टाइम मिले वो। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, फटाफट से कर लेते हैं काम। पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। आए हैं गंगा किनारे और गंगा जी को दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। हम लोग जा रहे थे त्रिवेणी घाट, तो हमने सोचा चलो यहाँ से घूमते घूमते जाएंगे। तो यहाँ से काफ़ी दूर पैदल है और गंगा जी आज चरम सीमा पे है, वो दिखाती हूँ मैं आपको। पहाड़ों में बहुत सारा नुकसान हो रहा है और उसके चलते यहाँ पर बहुत सारा पानी आ रखा है। आगे जा रहे हैं दादाजी, मनन और मनन के पापा। तो नदी देखिए बहुत ही उफान पे है नदी। यहाँ का नज़ारा नदी ज़्यादा देख ले, ऐसे आती हैं लहरें, ऐसे ले जाती हैं लहरें अपने साथ।
यहाँ पे दर्शकों की बहुत सारी भीड़ लगी है, जैसे रोज रहती है। त्रिवेणी घाट हम पहुँच चुके हैं और नदी दिखाऊंगी मैं कहाँ तक आया है, कुछ पता नहीं चल रहा। ये दादाजी और मनन जा रहे हैं इधर। यहाँ पे वॉशरूम जाने की व्यवस्था है और देखिए कितना सुंदर सा बनाया है उधर योग नगरी ऋषिकेश का वो, ये मेन गेट है, बाद में दिखाऊंगी मैं आपको। और इधर सजावट देखिए बहुत ही सुंदर बनाया गया है, पहले भी आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा है ये सब। और ये महाभारत का एक दृश्य है, अर्जुन और श्री कृष्ण का, जो मैं पहले दिखा चुकी हूँ लेकिन फिर दिखाना तो बनता है भाई। इतना सुंदर लग रहा है योग नगरी ऋषिकेश। यहाँ पे जूते रखने की व्यवस्था है, यहाँ से आरती स्थल है यानी कि। आप लोगों को आगे आगे लेते जाऊंगी मैं, दिखाऊंगी जो कुछ भी है यहाँ पे सारा दिखाऊंगी आज, बहुत ही सुंदर है। तो चलिए, जय माँ गंगे, जय गंगा माँ लिखा है वहाँ पे। और ये देखिए, ए दिन भर ना आते रहते हैं। हेलो गाइस, ये है शिव पार्वती का सुंदर सा दृश्य। देखिए अपनी मौत को दावत देते हुए, ये देखिए नदी कितनी, मतलब कहाँ रहती थी उतने दूर पता नहीं कहाँ, और यहाँ पे आ चुकी है गंगा माँ। फिर भी लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। स्टार्ट हो गई है तो जाते हैं, अगर दिखाई देगी तो देख लेंगे, क्योंकि आज पानी बहुत ज़्यादा भरा है। तो हम अभी निकल रहे हैं, आरती दिखेगी तो आप लोगों को भी दिखाएंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए मेरे साथ। तो ये है, यहाँ से प्रवेश होते हैं त्रिवेणी घाट के लिए। ये देखिए कितना सुंदर बनाया गया है, मतलब बिल्कुल चमक रहा है पूरा त्रिवेणी घाट। चलो सफर में थोड़ा आगे ले चलते हैं आपको। यहाँ से हम आगे निकलते हैं ऋषि कुंड के लिए। तो यहाँ पे जब मैं जीट
20 सम्मेलन से पहले आई थी तो उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। आजकल यहाँ का नज़ारा आपको बिल्कुल भी मतलब अलग लगेगा, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ सामने शिव मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ से ऊपर जाने के लिए है ऋषिकुंड। यहाँ पे मछलियाँ वगैरह भी हैं, और यहाँ पे श्री राम जी की मतलब प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे। ये है ऋषिकुंड, आपको मछलियाँ दिखेंगी। देखिए रघुनाथ जी महाराज का मंदिर, ये है यहाँ पे रघुनाथ जी महाराज। अब प्रभु श्री राम के दर्शन भी हमने आपको करा दिए हैं, अब हम मार्केट से घर जा रहे हैं, त्रिवेणी घाट का मुख्य मार्केट। तो अब हम घर के लिए जा रहे हैं, मनन के लिए हमने कुछ गिफ्ट लिया है दादाजी ने, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और अब हम पहुंच चुके हैं घर में, खाना खा रहे हैं सब लोग। तो अब मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी करना।